हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप आईसीआईसीआई बैंक के आई मोबाइल पे ऐप से पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डायरेक्ट पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्ट पैसा जमा कर पाएंगे आईसीआईसीआई बैंक से घर बैठे। आपको लाइन में भी लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको आईपीपीबी मोबाइल ऐप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसा जमा करने के लिए। गाइज, मैं आपको सबसे पहले सुकन्या समृद्धि अकाउंट का बैलेंस दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैं चलती हूँ आईपीपीबी मोबाइल ऐप पे, फिंगरप्रिंट से लॉगिन करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा ऐप में लॉगिन हो गया है। हमें स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है। माय सर्विसेज के अंदर आप पोस्ट ऑफिस सर्विसेज देख सकते हैं। हमें पोस्ट ऑफिस सर्विसेज पे क्लिक करना है। अब हमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे क्लिक करना है। गाइज, अब हमें यहाँ पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट दिखा रहा है, अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आप मेरा बैलेंस देख सकते हैं, 5,100 रुपये। गाइस, बैलेंस आपने देख लिया है। अब मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैं चलती हूँ आई मोबाइल पे ऐप पे। गाइस, मैं अपना पिन एंटर करती हूँ। सिक्योरिटी की वजह से आपको पिन नहीं दिखाई देगा। गाइज, मेरा ऐप में लॉगिन हो गया है। गाइज, यहाँ पे एक सेंड मनी का ऑप्शन है, हमें इस पर क्लिक करना है। गाइज, हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है ऐड मैनेज पे का, हमें इस पर क्लिक करना है। गाइज, अब हमें यहाँ पे दिखा रहा है ऐड न्यू पे, हमें अदर बैंक सेलेक्ट करना है। मैंने अदर बैंक सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हमें पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि अकाउंट नंबर एंटर करना है, फिर अकाउंट नंबर दोबारा एंटर करना है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का आईएफएससी कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको पे अकाउंट नेम एंटर करना है, जिसके नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे आएगा। अकाउंट टाइप में सेविंग्स ही आएगा। इसके बाद हमें निक नेम एंटर करना है, जो कि ऑप्शनल है। गाइज, मैंने पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि अकाउंट नंबर एंटर कर दिया है। गाइज, डायरेक्ट पैसा भेजने के लिए आपको ये आईएफएससी कोड एंटर करना है। गाइज, आईएफएससी कोड है IPOS0000DOP। गाइज, ध्यान रहे आपको यही आईएफएससी कोड एंटर करना है, नहीं तो आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। गाइज, जैसे ही मैंने आईएफएससी कोड एंटर किया, वैसे ही नीचे लिखा आ रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब हमने सही आईएफएससी कोड एंटर किया है। गाइज, जैसे ही हम पे अकाउंट नेम पे क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारे पास ये ऑप्शन आता है। गाइज, हमें यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है। गाइज, मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर दी है, अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। मैंने चेक कर लिया, सारी डिटेल्स सही हैं, तो अब मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें एंटर करना है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये ओटीपी अपने आप ले लिया है। गाइज, मैं आपको बता दूं, ये पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, इसलिए हमें यहाँ पर शो कर रहा है दिस पे ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि पे कैसे ऐड करते हैं डायरेक्ट पैसा भेजने के लिए। तो गाइज, मैं क्लिक करती हूँ पे लिस्ट पे। गाइज, सबसे नीचे आपको पे का नाम और अकाउंट नंबर दिखा रहा है, जिसका पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। तो इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ और ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक करती हूँ। गाइज, इस पेज पे सबसे ऊपर नाम दिखा रहा है जिसको हमें पैसा भेजना है। उसके नीचे आपको अमाउंट लिखना है, जितना भी आप पैसा भेजना चाहते हैं।
मुझे 100 रुपये भेजना है तो मैं 100 रुपये लिखती हूँ। रिमार्क्स में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने फैमिली सेलेक्ट कर लिया है। गाइज, ट्रांसफ़र टाइप में हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन है, IMPS, NEFT, RTGS। गाइज, हमें यहाँ पे केवल NEFT ही सिलेक्ट करना है। अगर आप IMPS या RTGS सेलेक्ट करते हैं तो आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इसलिए NEFT ही सिलेक्ट करना है गाइज। तो मैंने NEFT सेलेक्ट कर लिया, अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ। गाइज, अब हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। गाइज, अब आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज शो कर रहा है ट्रांसफ़र सक्सेसफुल, मतलब हमने ICICI बैंक के आई मोबाइल पे ऐप से पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डायरेक्ट 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पे हमारा रेफरेंस आईडी और मोड NEFT शो कर रहा है। हमने 100 रुपये किसको और किस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया हमें ये भी शो कर रहा है। उसके नीचे आपको डेट एंड टाइम भी दिखा रहा है। तो अब मैं चलती हूँ IPPB मोबाइल ऐप पे और आपको दिखाती हूँ 100 रुपये डायरेक्ट ICICI बैंक से पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं। मैं IPPB मोबाइल ऐप पे आ चुकी हूँ। मैं पोस्ट ऑफिस सर्विसेज पे क्लिक करती हूँ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे क्लिक करती हूँ। यहाँ मेरा सुकन्या अकाउंट शो कर रहा है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में शो कर रहा है 5,200 रुपये। गाइज, मैं आपको बता दूँ, पहले ये 5,100 रुपये था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। और 100 रुपये जो जमा हुआ है ये डायरेक्ट ICICI बैंक से हुआ है। तो गाइज, ये था हमारा पूरा वीडियो। हम ICICI बैंक के आई मोबाइल पे ऐप से पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डायरेक्ट पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।